गुजरात रे यूनिफॉर्म सिविल कोड पाई पथ परिष्कार प्रस्ताव रे मोहर लगाइले भूपेंद्र पटेल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आणिब समाज रे एकता भेदभाव दूर करिब समान नागरिक संहिता गुजरात विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी बड़ निष्पत्ति शेष कैबिनेट बैठक में भूपेन्द्र पटेल सरकार मास्टर स्ट्रोक यूनिफॉर्म सिविल कोड बा समान नागरिक संहिता प्रस्ताव में लगी मोहर उत्तराखंड पर गुजरात रे आईन लागू पथ हो परिष्कार एथिपाई गठन होबा कमिटी कमिटीर रिपोर्ट आधार में राज्य में लागू होबा आईन राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमिटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमिटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया। इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया अश्वर ने ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है तो वो कमिटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता। गोटिए देश गोटिए आईन व्यवस्था उपरे सबुबेले जोर दे आसी बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू हेले सबु संप्रदाय पाई लागू हेबो समान आईन एबे देश में मुस्लिम पारसी और ईसाई रही अलग अलग पर्सनाल ल विवाह विच्छेद संपत्ति और उत्तराधिकार क्षेत्र में रही भिन्न भिन्न आईन हिंदू धर्म में गोटे बहुत को मिली मंजूरी बिना छाड़पत्र द्वितीय बहुत बेआईन किंतु मुस्लिम करें तीन टी बहुत समान नागरिक संहिता लागू हेले मुस्लिम का तीन बहुत ऊपर लग रोक हिंदू क्षेत्र में पैतृक संपत्ति झींकर रही समान अधिकार किंतु मुस्लिम का क्षेत्र में पैतृक संपत्ति में झींक ठारु पुओं अधिकार बेसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आसिले सबु संप्रदायर महिला मिलिबो समान अधिकार समाज रे भेदभाव को दूर करिबो समान नागरिक संहिता विवाह विच्छेद संपत्ति आदि मामलार सहजरे होई पारिबो समाधान एथिसह न्यायपालिका उपर भी कम हेबो बोझ ताहले एही नुआ आईन को नहीं आपत्ति कहीं किसी दल को यह पछरे नजर आसुची वोट बैंक राजनीति आहिस्ता आहिस्ता करके 370 हो गया राम मंदिर हो गया। अब ये इस तरह के जो मामले हैं एक एक मेन मुद्दा इनका जो कॉमन सिविल कोड का था बीजेपी का वो बचा हुआ है। कॉमन सिविल कोड देश के अंदर ऑलरेडी लागू है। कैसे लागू है? जो भी केसेस हैं आप देखिए रेप के ऊपर अगर केस हिंदू के लिए है तो मुसलमान के लिए भी है, चोरी पर केस हिंदू के लिए है मुसलमान के लिए भी है, बदमाशी पर केस हिंदू के लिए मुसलमान के लिए भी, डाउरी का केस मुसलमान के लिए हिंदू के लिए भी। कॉमन सिविल कोड क्या है फिर? ये बिला वजह धार्मिक चीज़ों को छेड़ने का नाम है कॉमन सिविल कोड। आप मुझे बताइए पूजा पद्धति अलग अलग है तो ही तो हम हिंदू मुसलमान हैं ना। अगर पूजा पद्धति एक हो गई तो फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान? देश का एक संविधान है उसको आप खत्म करना चाहते हैं।
देश के संविधान, ये संविधान जब तक रहेगा जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उन्नीसशह अस्सी रु बीजेपी निर्वाचनी इस्तेहार में रही आसी राम मंदिर, काश्मीर धारा 370 उच्छेद और समान नागरिक संहिता प्रसंग। राम मंदिर निर्माण चली बेले काश्मीर धारा 370 हटाई सारी मोदी सरकार, एवं पाली समान नागरिक संहितार चर्चा होउछि। राम मंदिर और तीन तलाक परी यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी पाई सब्यस्त हेब मास्टर स्ट्रोक, से ही आशंकर एपरी बाउली होउछन्ति विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।